माननीय साहब ने दोनों को आजीवन कारावास दिया और 50,000 रुपए अर्थदंड के रूप में। ये सब सुन करके देख करके हमको 7 साल का जो दंश था वो बहुत ही कम। कहते हैं कानून के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ये बात तब और भी सच साबित होती है जब कोई पीड़ित इंसाफ के लिए अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से लड़ता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक पिता की कहानी जिसने अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाने के लिए 7 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। साल 2017, जगह थी बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र। एक माँ और बाप के जीवन का सबसे काला दिन, उनके इकलौते बेटे दिवाकर की जान चली गई। आरोपी थे मुकेश कुमार गुप्ता और सुनील यादव, जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और इसे महज एक हादसे का रूप दे दिया। लेकिन इस दुख के सागर में डूबे एक बाप का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। एक पिता ने जंग शुरू की, सिस्टम के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ और उस झूठ के खिलाफ जो उसके बेटे की मौत के पीछे छिपा था। ये लड़ाई आसान नहीं थी। कोर्ट की तारीखें, सबूतों की कमी और समाज का दबाव, लेकिन एक पिता का इरादा अडिग था। हर तारीख पर जब वो थकता, वो अपने बेटे का मासूम चेहरा याद आता, उसकी हंसी गूंज उठती और वो फिर से खड़ा हो जाता। आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, विशेष न्यायाधीश उमेश चंद पांडे की अदालत में। जब तमाम सबूत और गवाह पेश किए गए तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। कोर्ट ने पाया कि महज एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। 20 सितंबर 2017 की बात है। एक ही लड़का था, लौटा लड़का। उस समय उसकी उम्र रही होगी लगभग 35-36 वर्ष। 2017 में वो एक काम से बाइक से अपनी गया हुआ था नजदीक ही फतेहपुर। रेलवे गेट बंद था और इसकी बाइक के पीछे पिकअप थी, तो धीरे धीरे क्रॉस होकर के तुजुरा गए, लेकिन उसी में टक्कर लग गई बाइक में पिकअप से। तो गाड़ी किनारे खड़ी करके पिकअप के ड्राइवर से थोड़ा कुछ कैसे गाड़ी चलाते हो, इस तरह चलाई जाती है, लाइट तोड़ दी आपने, ये है वो, इसमें कुछ झगड़ा ड्राइवर से जब झगड़ा होने लगा तो उसमें गाड़ी मालिक का बेटा भी बैठा हुआ। जब गिलेवान पकड़ हुआ हो गया तो उसके बाद वो जो था ड्राइवर से झगड़ा हो रहा था, गाड़ी मालिक का बेटा उठा और गाड़ी से बाड़ी निकाल, बाड़ी रहती फोर व्हीलर में पहिया निकालने और कसने के काम, लोहे की होती राड, वो निकाल लिया तो उसके 3 जगह पर राड पड़, एक तो पसली पर, एक कॉलर बोन पर और एक यहाँ सर के पीछे। और ये तीनों चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि इसको यहाँ यहाँ पर चोट हुई। फिर मुकदमा दायर हुआ। उस समय तो हम बिल्कुल अर्ध पागल थे। कुछ दिन बाद, लगभग 1-2 महीने बाद, फिर जब उसकी गिरफ्तारी हुई ड्राइवर की, उसका चालान हुआ, उसके बाद यहाँ कोर्ट पर आया। फिर हमारा संघर्ष चालू हुआ 2018 से लगभग, तो 2018 से लेकर अब तक संघर्ष ही रहा मुकदमे के बारे में। बहुत राउंड लगाए, बहुत दौड़े, हमारे मित्र वकील लोग हैं, बहुत सही राय देते रहे। फिर मुकदमा बढ़ता रहा आगे, गवाह होते रहे, गवाही होती रही। वो इस स्तर पर पहुंचा, जज साहब माननीय हमारे लिए तो वो ईश्वर स्वरूप है, जिन्होंने इस पर ऐसा गौर किया। इन लोगों ने तो उसको एक्सीडेंट बनाया, एक्सीडेंट बनाना चाहते थे। पुलिस ने 302 बनाया कि 302 हुआ है वहाँ की पुलिस ने, उसी हिसाब से पुलिस के और सबके बयान भी। ओरिजिनल घटना थी राड से मारा गया, उसके बाद इन्होंने उसको एक्सीडेंट बनाने के लिए गाड़ी पहिया चढ़ाया और भाग गई गाड़ी लेकर, वो दूर ले जाकर खड़ी कर दी थी। हमारे एक आदमी तभी पहुंचे, जब देखा दिवाकर है तब उन्होंने गाड़ी का पीछा भी किया।
और ऐसा बयान भी उन्होंने दिया अदालत पर। उन बयान को देखते हुए माननीय जज साहब ने दोनों को आजीवन कारावास दिया और 50,000 रुपए अर्थदंड के रूप में। ये सब सुनकर के देख करके हमको 7 साल का जो दंश था वो बहुत ही कम हो। कोर्ट के फैसले के बाद एक बाप की आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ की जीत के भी थे। उनका मन किया अपने बेटे को गले लगा ले, लेकिन वो जानता था कि अब उसका बेटा सिर्फ यादों में है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द की नहीं है, ये उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण है जो इंसाफ के इंतजार में है। ये कहानी उस संघर्ष की है जो हर माँ बाप को हिम्मत देती है कि अगर उनका लाडला उनसे छीन लिया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक पिता के संघर्ष की, एक माँ के आंसुओं की, एक बेटे के लिए लड़ी गई इंसाफ की जंग की। ये जो दिवाकर सोनी है, इनको ये सुनील यादव और मुकेश गुप्ता, इन दोनों लोगों ने इनकी गाड़ी, दिवाकर की गाड़ी में थोड़ी सी टक्कर हुई थी, उससे गुस्से में आकर के राड निकाल करके वहां पे मारा था, जिससे उसकी मार करके राड से मार करके लोहे के राड से मार के हत्या कर दी। उसके बाद लोग इसको दुर्घटना का, उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी थी उसके ऊपर, तो उसको दुर्घटना का रूप दिया जा रहा था। लेकिन उस समय के तत्कालीन कप्तान और एसडी और पुलिस थाने के, फतेहपुर थाने के जो इंचार्ज थे, उससे बात करके और मुकदमा पंजीकृत कराया था दिवाकर के पिता श्री रामनाथ सोनी जी ने, और उसके बाद से फिर ये लड़ाई न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ी जा रही थी। और वो मुकदमा फिर जो है यहाँ पर ADJ EC Act के यहाँ चल रहा था, जिसमें